गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रशांत न्याति, गायनेक कैंसर सर्जन यानी लेडीज़ का कैंसर सर्जन हूँ, और मैं SL रहेजा हॉस्पिटल से अभी 5 साल से एसोसिएशन में हूँ। वुमेन्स कैंसर, ओवरी, सर्विक्स, यूट्रस और वजाइना, ये सारे जो कैंसर्स का मैं निदान और ट्रीटमेंट करता हूँ। सो आज 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे। तो शुरुआत में मैं SL रहेजा हॉस्पिटल को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि लाइव में आपसे इंटरेक्शन कर सकूँ। और संक्षिप्त में सर्वाइकल कैंसर यानि बच्चेदानी के मुंह के कर्करोग के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता सकूँ। सबसे पहले तो एक बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस अभी भी है। सो सेफ सेफ स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए। सो शुरुआत में बच्चेदानी के मुंह का कर्करोग यानी सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये सबसे कॉमन कैंसर्स है जो महिलाओं में भारत में पाए जाते हैं। हम हिंदुस्तानियों में करीब करीब एक 40% जो कैंसर्स है महिलाओं में, ये स्तन कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कर्करोग है। देखने जाएंगे तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में डिवीजन है। कहते हैं कि अर्बन एरिया में स्तन का कर्करोग ज़्यादा कॉमन है और रूरल एरिया में बच्चेदानी के मुंह का यानी सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा कॉमन है। बट आजकल जो ट्रेंड दिख रहा है ये 50-50 है। सो बच्चेदानी का मुंह यानि जो नीचे की शुरुआत से जो नीचे से एग्जामिनेशन कर देख सकते हैं, वो पार्ट को बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं। तो इसका कर्करोग, ये इसके बारे में आज हम विशेष जानकारी देंगे। इसके कारण कई रहते हैं, बट मेन कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वायरस, जिसके कई प्रजातियां होती है, उसके वजह से कर्करोग के होने की संभावना हो सकती है। इसके 100 प्रजातियों में से कुछ हाई रिस्क प्रजातियां हैं जो 4 टाइप की रहती है, और उसके होने की वजह से कई बार ये सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। देखने जाएंगे तो टेक्निकली एक साधारण 50-60 की उम्र में बच्चेदानी के मुंह का कर्करोग ज़्यादा पाया जाता था, बट आजकल हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देख रहे हैं पेशेंट्स, ये करीब करीब 20-25 साल की उम्र से तो 60-70 साल की महिलाओं के इसमें ये पाया जा रहा है। इसके लक्षण कई होते हैं, बट शुरुआत में वही प्रॉब्लम है कि अर्ली स्टेज जो रहता है या पूर्व अवस्था, तो अभी हम लोग ये कैंसर को हम लोग नॉर्मली कोई भी कैंसर को 4 इसमें डिवाइड करते हैं, 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, उसमें पूर्व अवस्था भी रहती है यानी प्री इन्वेजिव स्टेज, जो कि कैंसर नहीं रहती है। उसके बाद पूर्व अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो जो पूर्वावस्था रहती है उसको हम लोग बोलते हैं CIN, कार्सिनोमा इन सीटू। तो ये कार्सिनोमा इन सीटू या स्टेज 1 जो रहते हैं, उसके कई लक्षण नहीं रहते हैं, असिम्प्टोमेटिक बोलते हैं इंग्लिश में। सो उसके प्रॉब्लम यही है कि वो असिम्प्टोमेटिक निकल जाता है और ये प्रोग्रेसेस टू एडवांस स्टेज। बट जो एक फ्यू जो साइन सिम्टम्स है वो है कि मेंसेस बंद हो जाने के बाद भी बार बार मेंसेस आना, मासिक पाली के बीच में ब्लीडिंग एक्सेसिव होना या वाइट डिस्चार्ज जाना, बार बार वाइट डिस्चार्ज होते रहना, प्लस जो संबंध आता है यानी सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, ये अर्लीस्ट साइन सिम्टम्स है। उसके बाद में जो एडवांस स्टेज है उसमें तो कई लक्षण रहते हैं, जैसे पेट में दर्द, कमर दर्द, पैरों में सूजन होना, पेशाब में तकलीफ होना, मोशंस की जगह तकलीफ होना, ये सारे एडवांस स्टेज के लक्षण हैं। अब इसकी शुरुआती, इसके जो निदान हो जाए तो इसका 90% यानी पूर्वावस्था और प्रथम अवस्था में जो इसका निदान हो जाए, तो पूर्वावस्था का रिकवरी रेट, सर्वाइवल रेट 5 ईयर्स इज लिटरली लाइक 90-95% है। और प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज का जो सर्वाइवल है वो है करीब 80-85%। सेकेंड स्टेज का सर्वाइवल, तो जैसे स्टेज बढ़ते जाता है इसका सर्वाइवल कम होते जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैच अर्ली, जितना जल्दी हो सके इसका निदान करना है, इसका डायग्नोसिस करना है और इसका ट्रीटमेंट करना है।
सबसे महत्वपूर्ण चीज इस चीज का है, इस सर्वाइकल कैंसर का है कि इट इज द मोस्ट प्रिवेंटेबल फॉर्म ऑफ कैंसर। प्रिवेंटेबल फॉर्म क्योंकि ये हम लोग एक सिंपल एग्जामिनेशन यानी बच्चेदानी के मुंह को जो गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन करे तो उससे वो देख सकते हैं और उसमें कोई लक्षण दिखते हैं, अल्सर दिखता है, कोई जख्म दिखती है या ब्लीडिंग प्रॉब्लम दिखता है, पैप स्मियर लेके उसका निदान किया जा सकता है। और ये अर्ली स्टेज में होगा तो डेफिनेटली देर इज सक्सेसफुल आउटकम। अब इसके कारण क्या है, जैसे मैंने बताया कि एचपीवी वायरस, इसके अलावा और कई कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि प्रॉपर प्राइवेट पार्ट्स का, जनन अंगों का योग्य ध्यान नहीं रखना, उसमें इन्फेक्शंस रिपीटेडली होना, कई बार मेंसेस आते हैं तो गंदे कपड़े का इस्तेमाल होता है, पैड सेफली नहीं यूज़ किए जाते हैं, उसके वजह से जो बार बार इन्फेक्शंस होना है उसके वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, एक परीक्षण किया गया है जिसमें कम उम्र की लड़कियों में यानी 12, 13, 14 साल, 16 साल की उम्र में जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो चालू हो जाती है तो उनको ये कैंसर होने की संभावना बाकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा है। तो जितनी कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होगी इसके चांसेस ज़्यादा है कि प्रॉब्लम्स हो, कैंसर होने की संभावना है। अब इसके अलावा और रीजंस है, जैसे कई जो हम बोलते हैं कि लत या बुरी चीज़ें, जैसे हम लोग एडिक्शंस बोलते हैं, टोबैको एडिक्शन कोई भी फॉर्म में, आइदर मिश्री लगाओ या तंबाकू गुटखा रखो, कई जगह पे ट्राइबल एरिया या रूरल एरिया में बीड़ी पीना कॉमन है महिलाओं में भी, तो इसके वजह से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और इसके वजह से ये कैंसर का इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। अब इसके इन्वेस्टिगेशंस यानी इसका निदान किस तरह से किया जाता है, इसका निदान बहुत ही सोपा है, बहुत इजी है। इसमें हम लोग एक सिंपल पैप स्मियर यानी अर्ली स्टेज में हम लोग पैप स्मियर लेते हैं, एडवांस स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में हम बायोप्सी लेते हैं। तो पैप स्मियर यानी क्या, पैप स्मियर यानी जैसे हमारा जॉनसन बड़ रहती है वैसे एक छोटा सा बड़ रहता है और वो हम बच्चेदानी के मुंह के ऊपर घुमा के जो सेल्स रहते हैं वो कलेक्ट करके हम लोग टेस्टिंग के लिए देते हैं। तो ये एक सेफेस्ट तरीका है और नॉर्मली वर्ल्ड एक्सेप्टेड है कि 20 साल के बाद में, इंडिया में हम लोग उसको 30 साल बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सेक्सुअल एक्टिविटी होने का रेट है जो वो है थोड़ा कम रहता है, अर्ली नहीं रहता है। तो जिनका सेक्सुअली एक्टिव लड़कियाँ हैं वो 20 साल के बाद या फिर 30 साल के बाद एक सिंपल पैप स्मियर टेस्ट करना है, एक साल करना है, अगले साल करना है। जो दो टेस्ट निगेटिव आती है, नॉर्मल आती है, तो देन हर 3 साल के बाद ये टेस्ट करना है। कब तक करना है, 65 to 70 ईयर्स की एज तक, 3 3 साल में टेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, ये टेस्ट को बहुत खर्चा नहीं लगता है। आप कोई भी हॉस्पिटल या आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो एक 700 से 1500 के रेंज में ये टेस्ट हो जाती है। ओपीडी प्रोसीजर है, दर्द नहीं होता है, कुछ भी नहीं है और रिजल्ट 98% एक्यूरेसी से मिलता है। तो जो पूर्व अवस्था भी होगी या पहली अवस्था फर्स्ट स्टेज भी होगा तो वी कैन इजीली डायग्नोज दिस थिंग और इससे वी कैन 100% गेट अ ट्रीटमेंट एंड गुड सर्वाइवल। अगला स्टेज जो हो जाता है तो उसको हम लोग बायोप्सी यानी बच्चेदानी के मुंह का हम लोग टुकड़ा निकाल के उसका पैथोलॉजिस्ट को देके उसका निदान किया जाता है टेस्टिंग का। इसमें और एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कॉल्पोस्कोपी। अब कॉल्पोस्कोपी यानी क्या, एक माइक्रोस्कोप रहता है और बच्चेदानी के मुंह को हम लोग अलग अलग तरीके के स्टेन्स या डाई लगाते हैं जिससे हम लोगों को एक प्रॉपर यानी जो अल्सर या गांठ नहीं दिखती है, तो ऐसे स्टेज में हम लोग इस चीज से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम पार्ट है और उस जगह का हम लोग स्पेसिफिकली बायोप्सी लेके उसका निदान करते हैं। अब ये हो गया बायोप्सी पार्ट। सेकंड रहता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट के अलावा हम लोग सोनोग्राफी या फिर जो पेशेंट अफोर्डिंग है कर सकता है तो सीटी स्कैन एमआरआई करवाते हैं। अर्ली स्टेज में सीटी स्कैन एमआरआई सफिशिएंट, एडवांस स्टेज या कहीं फैल जाता है तो उस केसेस में हम लोग पेट स्कैन कराते हैं। तो जैसे अर्ली स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज जो बच्चेदानी के मुंह पे रहता है, सेकंड स्टेज यानी बच्चेदानी के मुंह से थोड़ा स्प्रेड होके योनि के मार्ग पे नीचे या फिर बाजू में जो जो सपोर्ट रहते हैं यूट्रस के वहाँ फैल जाना, थर्ड स्टेज यानी हड्डियों तक फैल जाना, बाजू की हड्डियों तक या फिर नीचे योनि के मार्ग से और नीचे स्प्रेड होना, और फोर्थ स्टेज है पेशाब की थैली या मोशंस के रास्ते तक स्प्रेड होना या फिर लंग्स, लीवर या कहीं और पेट में स्प्रेड होना।
तो जिस तरीके से ये स्प्रेड होता है उस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट है। अब पूर्वावस्था में या सीआईएन स्टेज में तो सादे आप एंटीबायोटिक देके या फिर क्रायोकॉटराइजेशन या इतना भाग हम लोग लीप या इससे कट कर कर निकाल देते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट सफिशियंट होता है। तो इसमें एक और फायदा रहता है कि अर्ली स्टेज में जो निदान होता है या इवन फर्स्ट स्टेज में 2 सेंटीमीटर से छोटी गठान है तो हम ऐसी, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि हम आजकल कम एज की लड़कियों में भी महिलाओं में भी ये कैंसर देख रहे हैं, तो ऐसे स्टेजेस में ऐसे केसेस में हम लोगों को एक ये भी रहता है कि बच्चा होने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चादानी जरूरी आवश्यक होती है। तो ऐसे अर्ली स्टेज में या पूर्वावस्था फर्स्ट स्टेज में 2 सेंटीमीटर से कम है और कहीं स्प्रेड नहीं है तो ऐसे स्टेज में हम लोग सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का भाग निकाल देते हैं, उसको रेडिकल ट्रकीलेक्टोमी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बच्चादानी बचा सकते हैं और उसमें बच्चा होने की संभावना आगे प्रॉपरली सेफली हो सकती है। और ऐसे काफी ट्रायल्स हुए दुनिया भर में कि ऐसे केसेस में रेडिकल ट्रकीलेक्टोमी करने के बाद में सक्सेसफुल बच्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग नॉर्मली जो सर्जरी करते हैं उसको हम लोग रेडिकल हिस्टरेक्टोमी बोलते हैं। ये सादी हिस्टरेक्टोमी से थोड़ा सा एडवांस रहता है और इस केस में हम लोग बच्चेदानी के बाजू में जाकर जितना भाग निकाल सकते हैं उसके सपोर्ट्स रहते हैं वो सारा निकाल देते हैं ताकि कहीं स्प्रेड होगा तो वो निदान हो जाता है। सेकेंड थिंग, पेल्विक लिम्फ नोड या लसिका ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ये हम लोग निकालते हैं। तो उसमें से हम लोगों को कहीं स्प्रेड होता है कुछ, उसका निदान करके जो जरूरत होगी तो आगे कोई एडजुवेंट ट्रीटमेंट रेडिएशन या कीमो रेडिएशन के फॉर्म में देते हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज की ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, उसको हम लोग रेडियोथेरेपी या सिकाई कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं और साथ में जरूरत होगी तो उसके टाइप के हिसाब से हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। अब नॉर्मली जो ये सारी ट्रीटमेंट रहती है इससे काफ़ी अच्छा सर्वाइवल होता है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। आजकल रेडिएशन के मशीन्स, ऑपरेशन करने की संभावना, ऑपरेशन करने के तरीके, जो ओपन सर्जरी है या रोबोटिक सर्जरी है, इससे हम लोग काफ़ी अच्छा आउटकम देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में इसको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉलोअप इज़ वेरी एसेंशियल, नहीं तो वापस से कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो मिस हो सकता है। अब ये हम लोग ने बता दिया कि हम लोग कैसे बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एचपीवी वायरस जो होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड स्प्रेड होता है, यानी संबंध में स्प्रेड होता है। जो संबंध आता है उसमें प्राइवेट पार्ट्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो फैमिली पार्टनर्स हैं, उनसे हम लोग क्या बोल वी शुड स्टे ट्रूथफुल टू देम। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होता है तो उसके वजह से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी होने की वजह से ये वायरस स्प्रेड होता है। यंग बच्चों को जो कॉलेज गोइंग है उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि यू शुड ऑलवेज स्टे आउट ऑफ फैशन और ये सारी चीज़ों से, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द सोशल एक्टिविटीज जो हाइपर हो जाती है जिसमें ड्रग्स और ये सारे एक्टिविटीज़ प्लस दे आर पार्टीज, रेव पार्टीज, इस सब से दूर रहिए। इफ़ यू आर एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी तो यूज़ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट विल प्रिवेंट एचआईवी प्लस एचपीवी, जिसके वजह से आगे फ्यूचर में, आज नहीं बट 10-15 साल बाद ये एचपीवी इन्फेक्शन आगे सर्वाइकल कैंसर में स्प्रेड हो सकता है। तो इसीलिए वी हैव टू स्टे सेफ। और एक चीज़ है कि इसमें जैसे आपने अभी वैक्सीनेशन सुना होगा कि कोरोना का वैक्सीन आ गया है, वैसे ही एचपीवी वैक्सीन हमारे पास कई 5-10 साल से है। तो द बेस्ट टाइम टू गिव दिस एचपीवी वैक्सीन जो रहता है कि 9 से 16 साल की उम्र की लड़कियों में हम लोग देते हैं। आइडियल बेस्ट टाइम 9 to 16 ईयर्स रहता है, और पहले 3 डोज बोलते थे, अभी 2 डोज भी दिया एट अ गुड इंटरवल इज गुड इनफ। सर्वाइक्स एंड गार्डासिल 2 वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी दे सकते हैं और इसका रफली कॉस्ट आपको 5-7 हज़ार के रेंज में जाएगा। सो इट इज़ स्टिल लेसर देन अ स्मार्टफोन, सो दिस इज़ गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चाइल्ड। हमारे लड़कियों को, हमारी बहनों को ये हम लोग वैक्सीन देंगे तो फ्यूचर में इनको वायरस इन्फेक्ट होके, इसका एडवांस स्टेज में एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन होके ये सर्वाइकल कैंसर में रूपांतरण होने में हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। बट ये वैक्सीन देने के बाद भी इट इज़ डेफिनेटली नेसेसरी कि एचपीवी टेस्टिंग या पैप्समियर टेस्टिंग करते रहना चाहिए। आजकल पैप्समियर एक अलग फॉर्म में भी अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन साइटोलॉजी।
तो ये साइटोलॉजी में हम लोग एचपीवी टेस्टिंग एंड पैप स्मियर दोनों भी कंबाइन कर सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 2 या 3 हज़ार में ये हो जाता है। तो एचपीवी इन एनी फॉर्म कोई इन्फेक्शन जो हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ले तो हम उसको सेफली ट्रीट करके ये वायरस से बच सकते हैं, और इनफैक्ट फ्यूचर में हम लोग सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आज बताना चाहेंगे कि टेक होम इज स्टे सेफ, यूज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, थर्ड थिंग इज स्टे फेथफुल टू योर पार्टनर, फोर्थ थिंग एडिक्शंस या कोई भी तरीके का जो टोबैको इन एनी फॉर्म इज हार्मफुल, तो यू स्टे अवे फ्रॉम दैट एंड मेंटेन गुड हाइजीन। अच्छी तरह से प्राइवेट पार्ट्स को सेफ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो इन्फेक्शंस रिपीटेड नहीं होंगे, तो दैट विल प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर्स एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ये छूत की बीमारी नहीं है, ये छूने से स्प्रेड नहीं होता है। सो जो कोई पेशेंट है उसको हम लोग लव, केयर, अफेक्शन ये सारी चीज़ें जो देंगे, जो उनको सपोर्ट करेंगे, अनलकीली जिसको हो चुका है उसको हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग सिंपथी देंगे, उनको हम लोग प्रॉपर केयर देंगे, तो ये सारी चीज़ों से वो ट्रीटमेंट से वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। दे कैन कम आउट वेरी सेफली एंड वेरी हैप्पीली, उनका एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट इम्प्रूव्स। सो ये सब हम लोगों के हाथ में है कि किस तरीके से हम लोग उनको ट्रीटमेंट दें। सो डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर डेफिनेटली। सो सर्वाइकल कैंसर से हम बच सकते हैं, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू। आई वुड लाइक टू लुक अक्रॉस, क्वेश्चंस किसी के होंगे तो डेफिनेटली आई कैन लुक फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू सो मच।